शुद्ध सरसों कच्ची घानी होने के बड़े बड़े विज्ञापन दावों के लिए मशहूर बैलकोल्हू फैक्ट्री में सैंपलिंग शुरू हो गई है। बरेली में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने बीएल एग्रो फैक्ट्री का निरीक्षण किया और 8 नमूने जांच के लिए भरे गए। सहायक आयुक्त खाद्य संदीप कुमार चौरसिया के नेतृत्व में ये कार्रवाई प्रधानमंत्री IGRS पोर्टल पर दर्ज शिकायत के तहत की गई। निरीक्षण में नरिश ब्रांड का अजवाइन, बैलकोल्हू ब्रांड का सरसों का तेल, कच्ची घानी, नरिश ब्रांड का पैक्ड रिफाइंड सनफ्लावर ऑयल, पैकिंग यूनिट के स्टोरेज टैंक से रिफाइंड सनफ्लावर ऑयल, नरिश ब्रांड का सेंधा नमक, पैक्ड सरसों का तेल, कच्ची घानी, बैलकोल्हू ब्रांड, नरिश ब्रांड के प्रीमियम टी, सरसों का तेल खुला, पैकिंग यूनिट के स्टोरेज टैंक से समेत 8 नमूने जांच के लिए भरे गए। IGRS पर शिकायत होने के बाद सहायक खाद्य आयुक्त भी कार्यवाही करने को मजबूर हो गए। हालांकि अमूमन खाद्य टीमें बीएल एग्रो फैक्ट्री में खाद्य पदार्थों के नमूने नहीं भरती हैं, लेकिन IGRS पर हुई शिकायत का निस्तारण भी फर्जी नहीं हो सकता था। इस वजह से मजबूरन भारी मन से खाद्य टीमों को वहां जाना पड़ा और उन्होंने सैंपल लिए। बीएल एग्रो चेयरमैन घनश्याम खंडेलवाल ने बताया कि वो काम के सिलसिले में शहर से बाहर हैं, उनको प्रकरण की जानकारी नहीं है। बीएल एग्रो फैक्ट्री में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम की जाँच जारी रही। सुबह से शाम तक विभिन्न खाद्य पदार्थों, तेल की जांच के बाद नियम विरुद्ध तरीके से मूंग दाल की पैकिंग मिलने पर 1500 किलो मूंग दाल सीज की गई। रेडी टू पैक RB ऑयल के 2 अलग अलग टैंक से नमूने और 1 नमूना मूंग दाल का लिया गया।